जब दशानंद रावण युद्ध में हारने लगा तो उसने एक ऐसे राक्षस को युद्ध में भेजा जिसके पूरे शरीर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा था। अब वानर सेना में जो भी उस राक्षस को मारने के लिए आता उसके शरीर पर प्रभु श्री राम का नाम देखकर पीछे हट जाता और अब इस बात का मौका उठाकर वो राक्षस सभी को मारने लगता है तथा उसने पूरी वानर सेना में हाहाकार मचा रखा था। अपनी सेना को मरता देखकर महाबली हनुमान जी उसे युद्ध करने के लिए आए, लेकिन जब हनुमान जी ने उस राक्षस के पूरे शरीर पर प्रभु श्री राम का नाम देखा तो ना चाहते हुए भी हनुमान जी उसके ऊपर शस्त्र नहीं उठा पाए और उनको लौट कर पुनः प्रभु श्री राम के पास वापस आना पड़ा और उन्होंने ये पूरी बात प्रभु श्री राम को बताई। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को बुलाकर उनसे सलाह ली। विभीषण जी ने कहा कि इस राक्षस ने अपने पूरे शरीर पर राम नाम लिखा रखा है सिर्फ उसकी दो जगहों को छोड़कर, पहला है उसकी जीभा तथा दूसरा उसके हृदय पर, जिसके बाद में प्रभु श्री राम ने एक ऐसे शक्तिशाली बाण का अनुसंधान किया जो उस राक्षस की जीभा से होता हुआ उसके हृदय को फाड़ कर बाहर निकला। उस प्रभु श्री राम के नाम की महिमा तो अपरंपार है क्योंकि उनकी हर लीला को केवल एक सच्चा श्री राम भक्त ही समझ सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके प्रभु श्री राम के इस छोटे से भक्त को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।